हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में ओप्पो रेनो 10 स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट और कैमरा रिव्यू करेंगे। देखेंगे इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है। और दोस्तों, आप सब एक फोन लेना चाहते हो कैमरा के लिए, क्या फोन आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, आप सबको दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पे दोस्तों, इस फोन का कैमरा सेटअप का बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मेन कैमरा है 64 MP, सेकंड कैमरा है 32 MP, टेलीफोटो लेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और 8 MP का आपको अल्ट्रावाइड कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट का बात करूँ तो फ्रंट में आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, इस फोन से आपको लाइव पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ, इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसे आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का कैमरा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, आपको HDR ऑन करके पहले फोटो क्लिक करके दिखाएंगे नॉर्मल मोड से। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे HDR ऑन है। तो चलो यहाँ पे पहले फोकस करा फोटो क्लिक करा आपको दिखाता हूँ नॉर्मल मोड से। यहाँ पे फोकस किया, फोकस हो चुका है। अब चलिए यहाँ फोटो क्लिक करता हूँ, तो फोटो कैप्चर हो चुका है। इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो यहाँ पे क्वालिटी दिखिए, क्वालिटी का बात को तो क्वालिटी काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लैरिटी दिखे, क्लैरिटी बहुत ही अच्छा आ रहा है नॉर्मल मोड से पिक्चर क्लीन हो तब भी। तो यहाँ पे चलिए जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्वालिटी दिखिए, क्वालिटी काफ़ी सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कलर का बात को तो यहाँ पे कलर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्लावर के ऊपर, पत्ते के ऊपर कलर देखिए, कलर बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज हो रहा है पिक्चर में। और यहाँ पे डिटेलिंग का बात को तो चलिए आपको फुल जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे फुल जूम करता हूँ, तो यहाँ पे दिखे डिटेलिंग, डिटेलिंग बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे फुल जूम में आ जाएगा। पिक्चर में ज़्यादा लॉस भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो के डिटेल्स में। यहाँ पे डिटेल्स में टैप करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स। तो इस फोटो का साइज का बात को तो साइज है 3.2 MM यहाँ पे ले रहा है। तो अब यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों, इस फोन से आपको 64 MP से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 64 MP। तो चलो यहाँ पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 64 MP ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे फोकस करके फोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पे टैप करता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ। चलिए, तो यहाँ फोटो क्लिक हो चुका है। इस फोटो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्वालिटी कैसा है आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी देखिए, यहाँ पर भी क्वालिटी काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे आ रहा है, एकदम शार्पनेस क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डिटेलिंग देखिए, डिटेलिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा नॉर्मल मोड से। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलो यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पत्ते के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा आपको डिटेलिंग आ रहा है। और यहाँ पे क्लैरिटी का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लैरिटी इस पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, और एक फोटो क्लिक किया हूँ आपको दिखाता हूँ। और ये फोटो उससे 64 MP से ले हूँ, इसका क्वालिटी देखिए, यहाँ पर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो चलिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे डिटेलिंग देखिए कितना अच्छा डिटेलिंग आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही शार्पनेस आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई भी लॉस आपको नहीं मिलेगा जूम करने से, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कलर का बात करते पिक्चर में, बहुत ही अच्छा कलर कस्टमाइज हो रहा है पिक्चर में। तो चलो यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे साइज देखिए, साइज है 11 MP के आसपास, ठीक ठाक साइज यहाँ पे ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। आप दोस्तों, इस फोन से आपको पोर्ट्रेट से फोटो क्लिक कर दिखाएंगे। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब चलिए दोस्तों, इस फोन से आपको पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक कर दिखाएंगे। तो चलो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों, क्लिक करने से आप पोर्ट्रेट मोड का ब्लर का कम ज़्यादा कर पाओगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, 6.6, 2.0 इस तरह से सेट कर पाओगे आप। मैं यहाँ पे चले सेट कर लेता हूँ 2.5 में। अब चले यहाँ फोकस करके फोटो क्लिक करता हूँ, फोकस हुआ है, अब फोटो क्लिक करता हूँ। तो फोटो कैप्चर हो चुका है, इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ किस तरह का फोटो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों, इस फोन में आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड में। तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का फोटो आया है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे क्वालिटी देखिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा पिक्चर का। बहुत ही अच्छा क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ ब्लर का बात को तो ब्लर यहाँ पे बहुत ही अच्छा कस्टमाइज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लर देखिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ब्लर किया है यहाँ पे। यहाँ पे बॉक्स को देखिए कितना अच्छा ब्लर किया है, बहुत ही अच्छा ब्लर यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही अच्छे से ब्लर को मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। और पिक्चर क्वालिटी का बात को तो क्वालिटी काफ़ी सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट में फोटो आ रहा है। तो चलो यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो साइज का बात को तो साइज है 1.9 MM यहाँ पे ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। और दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड से और एक फोटो क्लिक किया हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात को तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पे पोर्टोमोटो का बात करूँ तो पोर्टोमोटो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। यहाँ पे देखिए कोई भी बॉडी पार्ट को ब्लर नहीं किया है, बहुत ही अच्छे से पोर्टोमोटो यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ पोर्टोमोटो में कस्टमाइज किया है पिक्चर में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको कैसे लगा इस फोन का पोर्टोमोटो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स से जरूर बताना। और यहाँ पे कलर का बात करूँ तो इस पिक्चर का कलर भी यहाँ पे काफी सही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में, तो चलिए यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे साइज देखिए, यहाँ पे साइज आ रहा है 1.5 MB यहाँ पे ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे, देखेंगे फ्रंट कैमरा क्वालिटी कैसे है, आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, तो चलो यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेम इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस फोन का ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। चलिए सामने आता हूँ, फोकस हो चुका है, फिर से साइड में जाता हूँ, फिर से सामने आता हूँ। देखिए ऑटो फोकस हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे से ऑटो फोकस यहाँ पे काम करता है। तो चलिए पहले दोस्तों आपको यहाँ पे HDR ऑन का फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो चलिए फोटो क्लिक कर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, काउंटडाउन स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। चलिए इस फोटो को ओपन करता हूँ, अब देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे शार्पनेस देखिए, शार्पनेस बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा शार्पनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे डिटेलिंग का बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पिक्चर में, काफ़ी सही यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक ब्राइट पिक्चर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊंगा तो फुल यहाँ पे डिटेलिंग भी आपको ठीक ठाक डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा, यानी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कलर का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे बढ़िया कलर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से जाएंगे इस फोटो को डिटेल्स में, तो यहाँ पे टैप करता हूँ। तो साइज है 7.7 MB ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक कर दिखाएंगे। तो चलिए पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एपर्चर लेवल देखने को मिल जाएगा, कम ज़्यादा कर पाओगे इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कम से कम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 2.5 में सेट कर ले हूँ। अब चलिए यहाँ पे फोकस करता हूँ, पहले फोकस हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे काउंटर को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब चलिए इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे क्वालिटी का बात करूँ तो क्वालिटी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने को मिल रहा है इस फोन से, काफ़ी अच्छा अच्छा फोटो आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे पोर्टोमोट किस तरह से फोटो आया है। तो यहाँ पे पोर्टोमोट का बात करूँ तो पोर्टोमोट बहुत ही अच्छे से काम किया है यहाँ पे, देखिए कोई भी बॉडी पार्ट को ब्लर नहीं किया है, बहुत ही अच्छे से ब्लर को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। और पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बेहतरीन पिक्चर आ रहा है और ब्राइट पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पोर्टोमोट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, और यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो साइज में यहाँ पे देखिए 4.2 MB ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, और दोस्तों इस फोन से आउटडोर में और भी पिक्चर क्लियर हो वो दिख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है। चलिए आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फोन का पिक्चर क्वालिटी आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। अब दोस्तों इस फोन का वीडियो क्वालिटी दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो ये वीडियो दोस्तों 4K 30 FPS से शूट हुआ है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी का बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कलर आ रहा है काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ कोई भी माइक नहीं यूज़ करो तो साउंड क्वालिटी आप देख लेना, साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है। और वीडियो क्वालिटी का बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों फ्रंट कैमरा से 1080p से 30 FPS शूट हो रहा है, यहाँ पे इंडोर शूट हो रहा है। चलिए छत पे चलते हैं। यहाँ पे जितना लाइट में आ रहा हूँ उतना अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वालिटी देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वालिटी आ रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो जितना लाइट में जाता हूँ उतना अच्छा कलर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिखिए कलर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वीडियो में कलर आ रहा है, वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर भी कोई माइक नहीं यूज़ करते तो साउंड क्वालिटी यहाँ पर भी देख लेना साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। वीडियो क्वालिटी का बात को तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों इस फोन का ओवरऑल कैमरा क्वालिटी का बात करूँ तो इस फोन में काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों में काफ़ी अच्छा फोटो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप दोस्तों ये फोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, काफ़ी अच्छा इस फोन का कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।